भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के साथ कौन सी भोजपुरी एक्ट्रेस है जो काम नहीं करना चाहती, और ये सुनहरा मौका इस बार मिला है निरहुआ हिंदुस्तानी 2 की एक्ट्रेस संचिता बैनर्जी को। और संचिता बैनर्जी नजर आने वाली हैं पवन सिंह की अपकमिंग फिल्म क्रैक फाइटर में, जी हां, उनकी हीरोइन के तौर पर। और आपको बता दे कि ये सुनहरा मौका संचिता बैनर्जी को उनके टैलेंट की बदौलत मिला है। जी हां, निरहुआ हिंदुस्तानी 2 में उनकी एक्टिंग को इतना सराहा गया, उन्हें दर्शकों का इतना प्यार मिला कि पवन सिंह के अपोजिट उन्हें इस फिल्म में कास्ट किया गया है। आपको बता दे कि क्रैक फाइटर की शूटिंग इन दिनों रांची में चल रही है और फिल्म एक एक्शन पैक्ड फिल्म है। आपको तो पता ही है कि पवन सिंह की ज्यादातर फिल्में एक्शन से भरपूर होती हैं और इस फिल्म में पवन सिंह एक फाइटर का रोल निभा रहे हैं। तो वहीं संचिता बैनर्जी बनी है उनकी लव इंटरेस्ट। आपको बता दें कि संचिता और पवन पहली बार एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, अब इनकी केमिस्ट्री दर्शकों को कितनी भाती है ये तो क्रैक फाइटर रिलीज होने के बाद ही पता चलेगी। और इस फिल्म से जुड़ी हुई हर एक अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के साथ कौन सी भोजपुरी एक्ट्रेस है जो काम नहीं करना चाहती, और ये सुनहरा मौका इस बार मिला है निरहुआ हिंदुस्तानी 2 की एक्ट्रेस संचिता बैनर्जी को। और संचिता बैनर्जी नजर आने वाली हैं पवन सिंह की अपकमिंग फिल्म क्रैक फाइटर में, जी हां, उनकी हीरोइन के तौर पर। और आपको बता दें कि ये सुनहरा मौका संचिता बैनर्जी को उनके टैलेंट की बदौलत मिला है। जी हां, निरहुआ हिंदुस्तानी 2 में उनकी एक्टिंग को इतना सराहा गया और दर्शकों का इतना प्यार मिला कि पवन सिंह के अपोजिट उन्हें इस फिल्म में कास्ट किया गया है। आपको बता दें कि क्रैक फाइटर क्रैक फाइटर की शूटिंग इन दिनों रांची में चल रही है और फिल्म एक्शन पैक्ड फिल्म है वैसे भी कट और फिल्म एक एक्शन पैक्ड फिल्म है आपको तो पता ही है कि ज़्यादातर कट आपको तो पता ही है कि पवन सिंह की ज़्यादातर फिल्में एक्शन से भरपूर होती हैं और इस फिल्म में पवन सिंह एक फाइटर की कट और इस फिल्म में पवन सिंह एक फाइटर का रोल निभा रहे हैं फाइटर की शूटिंग इन दिनों रांची में चल रही है और फिल्म एक्शन पैक्ड फिल्म है वैसे भी कट
और फिल्म एक एक्शन पैक्ड फिल्म है। आपको तो पता ही है कि पवन सिंह की ज़्यादातर फिल्में एक्शन से भरपूर होती हैं और इस फिल्म में पवन सिंह एक फाइटर का रोल निभा रहे हैं।